अल्लाह ही है, सब कुछ है। तो ये है मोहम्मद अली मिर्जा की वीडियो। चलिए अल्लाह हू अकबर, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, और कितने ही जानदार ऐसे हैं कि जो अपना रिस्क अपनी पीठ पर लाद कर नहीं फिरते, कोई स्टोरेज नहीं उन्होंने किया हुआ अपना रिस्क। ये सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 60। कितने ही चलने फिरने वाले हैं कि वो अपना रिस्क अपनी पीठ पर लेकर नहीं फिरते, अल्लाहु यरज़ुकुहा, अल्लाह ताला उन्हें रिस्क देता है। वा इय्याकुम, और तुम्हें भी अल्लाह ही रिस्क देगा। वहुवस समीउल अलीम, और वही सुनने वाला इल्म वाला है। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की क्वालिटीज हैं। हर मखलूक की हर आवाज को हर वक्त सुनना और उसका इल्म रखना, ये ना कोई फरिश्ता कर सकता है, ना कोई पैगंबर कर सकता है, ना कोई और मखलूक कर सकती है, ये अल्लाह के साथ खास है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जानदार अपना, कितने ही जानदार अपना रिस्क अपनी पीठ पर लेकर नहीं फिरते, हम उन्हें रिस्क देते हैं। ये परिंदे जो सुबह निकलते हैं, किस आस और उम्मीद के ऊपर? अल्लाह ताला उनको खिलाता है। और फिर कई ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं, वो आप देखें कि कैसी कैसी मखलूकात हैं, कैसे कैसे दरख्त मौजूद हैं दुनिया में कि जो मेंढक खा जाते हैं पूरा पूरा। यानी उनके पत्तों का डिजाइन ऐसा है कि पत्तों का मुंह खुला होता है, उसमें कांटे लगे होते हैं और अट्रैक्टिव चीजें उसमें मौजूद होती हैं। कभी कोई मक्खी गई तो वो फंस गई, उस मक्खी को खाने के लिए मेंढक गया, जैसे ही वो अंदर गया तो वो फड़कना शुरू होगा, साथ ही उसका पत्ते का मुंह बंद हो जाएगा और वो उसको डाइजेस्ट करके खा जाएगा। अब वो पौधा खुद तो हरकत कर नहीं सकता, जाके पकड़ भी नहीं सकता। तो ये वो जो आयत अल्लाह ताला फरमाया, कितने ही जानदार हैं अपना रिस्क अपनी पीठ पर लेकर नहीं फिरते, हम उन्हें रिस्क देते हैं, उनके मुंह में डालते हैं। ऐसे मामला पैदा फरमा दिए अल्लाह ताला। और इतनी हैरान कुन बात है कि ये मैं उस पर सोच रहा था कि ये जब बारिश होती है तो बारिश के कतरे भी उसके ऊपर पड़ते हैं, तो उसके जो है कांटे, तो बारिश के कतरों की वजह से बंद हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे उसमें कोई चीज जाए और वो तेजी से फटफड़ाए, जैसे हम माउस को, कंप्यूटर के माउस को तेजी से दो दफा क्लिक करें तो फिर वो प्रोग्राम रन करता है, अगर थोड़े थोड़े वक्फे से करें नहीं करता, तो तेजी से फटफड़ाए फिर वो पत्ता बंद होता है। वरना तो बारिश होते वक्त वो भूखे ही मर जाए वो जो प्लांट है बारिश के मौसम में, तो बारिश के कतरे की वजह से उसका पत्ता बंद नहीं होता। इस किस्म की कई मखलूकात हैं। अब ये तो लादा टॉपिक है, इस पे तो घंटों चाहिए सिर्फ इसके ऊपर बोलने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम रिस्क देते हैं, और अगर आप रिस्क, ये अल्लाह के अलावा तो रिस्क पूरा ही नहीं कर सकता। दुनिया में मिलियंस ऑफ व्हेल्स, दुनिया में लाखों व्हेल्स, दुनिया के समुद्रों में, पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक में, इंडियन सी के अंदर सारी मिलाई जाए तो लाखों व्हेल्स बनती हैं, उनकी खुराक कौन पूरी कर रहा है? एक जो एवरेज वेल मछली है उसकी एक दिन की खुराक जो है ना, छोटी वेल की 500 किलोग्राम गोश्त होता है, 500 किलोग्राम, ये कौन पूरा कर सकता है? और लाखों के लिए पूरा करना, और ये सिर्फ एक वेल मछली की बात हो रही है, कैसा उसके लिए इंतजाम किया हुआ है? और फिर बाकी मखलूकात, तो अब गिन, इस रूए अर्ज पे अभी तक जो मखलूकात दरियाफ्त हो चुकी है वो 2 मिलियन स्पीशीज, 20 लाख, ये उनकी तादाद नहीं है बल्कि स्पीशीज। यानी अगर गिनना शुरू करें, इंसान को पहली मखलूक आप गिन लें, घोड़ा, दूसरी मखलूक खच्चर, तीसरी मखलूक कव्वा, चौथी मखलूक गधा, पांचवी मखलूक, इस तरीके से गिने, नबातात और हैवानात की मिलाकर 20 लाख स्पीशीज है। और एक एक जो स्पीशीज है उसकी अरबों खरबों में आबादी है, उन सब का रिस्क पूरा होना अनबिलीवेबल डेटा। सिर्फ जमीन पर कीड़े इतने मौजूद हैं कि जमीन पर बसने वाले हर इंसान को अगर 20-20 करोड़ दे दिए जाए, 20 करोड़ आपको, 20 करोड़ आपको, इस तरीके से जितने इधर 70-80 के करीब लोग बैठे हैं, सबको अगर दे दिए जाए और दुनिया के सारे इंसानों को, 6-7 अरब लोगों को, तब भी कीड़े बच जाएंगे। इतने सिर्फ कीड़े हैं हशरातुल अर्द, और दरख्त, फिर परिंदे, मुर्गियों के चूजे, फिर कव्वों के चूजे और चीलों के चूजे, और क्या तादाद है, ये अनबिलीवेबल डाटा है। जिसको शौक हो मसला नंबर 60 में ना देख सकते हैं। वमा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और हमने पैदा नहीं किया जिन्नों और इंसानों को मगर सिर्फ इसलिए कि वो हमारी इबादत करें, हमें माने नहीं,
हमारी इबादत कर। मानते तो सारे अल्लाह को, कोई है जो अल्लाह को ना माने? तो बहुत बेवकूफ हो तो वो ना मानने वाला हो एथियस्ट, अदरवाइज तो एज फार एज गॉड इज कंसर्न, कोई भगवान कह देता है, कोई उसे ईश्वर कह देता है, कोई गॉड कह देता है, कोई अल्लाह कहता है, और कोई सुप्रीम बींग कह देता है, कोई साइंस की लैंग्वेज में सुपर नेचुरल एजेंसी कह देता है, मानते सब है एक सुप्रीम बींग को। तो मानना काफी नहीं है, बल्कि उसकी इबादत भी करनी, टोटल ओबीडियंस उसकी अतात करनी है, उसकी वर्शिप करनी है। वो सारे रसूम, सारी रस्में, चाहे वो नमाज हो, चाहे रोजा हो, कुर्बानी हो, झुकना हो, हाथ बांध कर खड़ा होना हो, सजदा करना हो, ये सारे पोस्चर्स उस जात के लिए खास करने हैं। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए। तो हमने जिन और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। तो ये अक्सर एनजीओज कह रहे होते हैं जी, ओ जी इबादत के लिए तो फरिश्ते भी बहुत थे। भाई जी, तुम ठेका मिले हुआ है इस गल का कि तुम लोगों को ये गाइड करोगे? तो ये बड़ी एक्सट्रीम बात लोग कर देते हैं। इसी तरीके से बस दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, वो कहते हैं जी बस नमाजें ही नमाजें हैं, बेशक रिश्तेदारों का माल दबा लो, विरासत में भाई की जदाद दबा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दाढ़ी रखी हुई है तो जिस तरह अपनी दाढ़ी और पगड़ी से पब्लिक को धोखा दिया हुआ है, क्या मतलब अल्लाह को भी धोखा दे लेंगे ब्रैकेट्स में। तो हमने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। लेकिन इसमें फर्क है, जिन्नों और इंसानों को अल्लाह तआला ने इख्तियार दिया है, फरिश्ते इबादत करते हैं अपने इख्तियार के बगैर, और इंसानों और जिन्नों के पास सबसे बड़ी जो नेमत है वो अकल की नेमत, इंसान अपनी चॉइस से अपने रब को चूज करता है। और मैं कहता हूं ये इतनी बड़ी दौलत है जो जिब्रील के पास भी नहीं है। जिब्रील अगर अल्लाह का फरमाबरदार है तो इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें फरमाबरदार बनाया। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी चॉइस से अपने रब को चूज करे तो इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। इसीलिए कहा गया ना, लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, वो वाकई इंसान बनना, बंदे का पुत्र बनना, खाली ये चलता फिरता हैवान ना हो, वाकई इंसान बनना जो अल्लाह ताला को रिक्वायर्ड है। तो इंसान के पास सबसे बड़ी दौलत यह है कि इंसान अपनी विल से अपने रब को चॉइस करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युत्इमून। मैं इनसे ये तमन्ना नहीं रखता, इन तमाम मखलूकात से, कि वो मुझे रिस्क दें, और ना ये मेरी ख्वाहिश है कि वो मुझे खाना खिलाएं। इन्नल्लाहु वर्रज़्ज़ाकु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। बेशक अल्लाह है जो लोगों को रिस्क देने वाला है और वो जबरदस्त कुव्वत वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है, ये देखें क्या इसमें लजाजत है, किस लेवल पे आगे बात समझाई जा रही है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, देखो मैं तुमसे ना रोटी मांगता हूँ ना खाना मांगता हूँ, एक बात मांगता हूँ, मेरी बात। हालांकि अल्लाह ताला गनी है, ये हमारे फायदे के लिए कह रहे हैं। इंशाल्लाह मैं तकदीर के मसले में अगली दफा बताऊंगा। ये अक्सर लोग कह रहे होते हैं ना, जनाब अल्लाह को साड़ी नमाजा नहीं चाहिए, तो अल्लाह ने कब कहा मुझे आपकी नमाजें चाहिए? अल्लाह ताला ये कहता है तुम्हें अपने लिए, मैं नहीं चाहता कि तुम दोज़ख तक पहुंचो। हमें तो नमाजें चाहिए ना, अल्लाह को नहीं चाहिए लेकिन हमें तो चाहिए। तो सूरह ज़ुमर के हवाले से इंशाल्लाह आयात आएंगी। अल्लाह ताला फरमाता है मैं बेपरवाह हूं, लेकिन ये याद रखो मेरी नाफरमानी करोगे मैं नाराज हो जाऊंगा, फरमाबरदारी करोगे तो खुश हो जाऊंगा। बेपरवाह हूं, लेकिन ये ना बेपरवाही का मतलब ये ना समझ लेना कि जो मर्जी करते रहो, नहीं, फरमाबरदारी करोगे मैं खुश हूंगा, नाफरमानी करोगे तो वो पंजाबी जन कहते हैं ऐसी तैसी फेर के रख देगा। और हकीकत बात है, सूरह गाफिर में यहां तक आयत आती है कि क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को जब अजाब देगा तो अल्लाह ताला पूछेगा, हाँ भाई तकलीफ हो रही है? सूरतुल मुमिन भी कहते हैं, सूरह गाफिर भी से कहते हैं, शुरू में ही आता है, कहेंगे या अल्लाह हो रही है, तो अल्लाह ताला फरमाएगा इससे ज्यादा मुझे तकलीफ होती थी जब तुम्हें दुनिया में मेरी तरफ बुलाया जाता था और तुम गर्दानी कर जाते थे। देखिए इस लेवल पे जाके बात को समझाना, क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला फरमाएगा मुझे इतनी तकलीफ होती थी जब तुम्हें मेरी तरफ बुलाया जाता था, आप कोई बुलाता कहता नहीं तुझे अपनी कब्र जाना मैं अपनी कब्र में, इससे बड़ी तो कोई जुर्रत नहीं है। इसकी बजाय कोई शख्स ये आपको आगे कहे कि जनाब ये सात वाली गली में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है कि जो जेलम के जितने शहरी हैं अपना शनाख्ती कार्ड दिखा के 1-1 लाख रुपए ले लें, तो कोई ये नहीं कहेगा तू अपनी कब्र जाना मैं अपनी कब्र, कहेंगे जनाब बड़ी मेहरबानी जनाब दस देता जाए, यही कहेंगे ना। लेकिन आखिरत की कोई बात करे तो फौरन उसके अंदर तू अपनी कब्र जाना मैं अपनी कब्र। तो मैं तुमसे नहीं मांगता कि मुझे रिस्क दो, और ना मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे खाना खिलाओ, बल्कि अल्लाह ताला ही लोगों को रिस्क देने वाला है और वो जबरदस्त कुव्वत वाला है। और क्या रिस्क दे रहे हैं आप जरा सोचें,
रिस्क फ्री दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे फ्री कौन सा रिस्क दे रहे हैं? भाई फ्री वो रिस्क दे रहा है जिस रिस्क के बगैर आप 2 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। कौन सा रिस्क? सांस फ्री है, कोई टैक्स नहीं इसके ऊपर। ये पानी से रोटी से भी बढ़कर जरूरी है। पानी रोटी के बगैर तो इंसान जिंदा भी रह सकता है, बल्कि ये जो 2008 के जलजले में जो औरत 2 महीने तक वो जो मलबे के नीचे जिंदा रही थी, इसी तरीके से कितने मरीज हैं वो बिस्तरे मर्ग पे रहते हैं, कितने कितने दिन तक खाते पीते नहीं है, कमजोर हो जाते हैं लेकिन गुजारा चलता रहता है। लेकिन सांस 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा इंसान सांस नहीं रोक सकता। सांस छोड़ दे, उसको पानी में डाल देना, वहां पे वो पानी भी इनहेल करेगा तो मर जाएगा, या मछली को निकाल के इधर रख दे बाहर हवा में तो वो मर जाएगी। तो ये रिस्क अल्लाह ताला मुफ्त दे रहा है सबको, अल्लाह ताला सबको खिला रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है मुझे रिस्क की जरूरत नहीं तुमसे, मैं खुद देने वाला हूं। वखलकनाकुम अज़वाजा, और हमने तुम्हें जोड़ों की शक्ल में पैदा फरमाया। इंसान हो, जानदार हो, इवन प्लांट्स में भी नर और मादा, मेल और फीमेल जोड़े मौजूद हैं। वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने नींद को तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया। ये नींद ऐसी चीज है कि इसके बगैर आप चल ही नहीं सकते। यानी इंसान कितना भी ताकतवर हो, ज्यादा कितने घंटे जाग लेगा वो? देखें, ये अब कभी हमने गौर नहीं किया कि हमारी मशीनरी काम करना बंद कर देती है। वैसे जो ये मटेरियल की चीजें हैं, बाज का साल के बाद उनका शट डाउन पीरियड आता है। ये जो फैक्ट्री हैं, खुसूसन प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं, साल में एक दफा उनको बंद किया जाता है। लेकिन इंसान एक ऐसी मशीन है जो 2 दिन के अंदर अंदर, 2 नहीं तो ज्यादा 3 दिन तक उसके बाद शट डाउन हो जाएगी। उसको आप जहां पर भी रखेंगे उसको नींद आ जाएगी। यानी हम सोए बगैर अगले दिन को काम ही नहीं कर सकते। और देखें सोना कितना इंपॉर्टेंट है, हमें ये बिल्कुल पता होता है कि ये काम हमने करना है, बाकी सारे काम हम आगे पीछे कर देते हैं। इसको भी कितना आगे पीछे करेंगे, अल्टीमेटली सोए बगैर गुजारा नहीं है। ये इंसान की अल्लाह ने ये भी एक खुराक रख दी है ऐसी, नींद, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। यानी हम कितने लाचार हैं कि बगैर सोए हुए गुजारा नहीं। अब आपको समझ आएगी, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह ताला फरमाता है ना उसे ऊंग छू सकती है ना नींद। ये अल्लाह की क्वालिटी है जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इयर्स से अल्लाह ताला हुवल हय्युल कय्यूम हर चीज को थामे हुए है और खुद से जिंदा है। हम तो देखे ये कहते हैं जी वो बुजुर्ग साहब किताब रखेंगे, बुजुर्गों के अपनी नींद रोक के बता दे। कोई बंदा सोया हुआ हो, जितना मर्जी वो बुजुर्ग हो, पहुंचा हुआ, आप उसके पास खड़े होकर बात करें वो सुन ही नहीं सकता। कहते हैं कब्र में जाके सुनते हैं, उनको कहीं इधर, वो जो सुनना है वो तो इबरत के लिए हुआ है, एक मौके पर है। बुखारी में आता है कि जब मुर्दे को दफना कर जाते हैं तो कदमों की आवाज सुनता है वो, सिर्फ इसलिए कि वो सारे सुनते हैं, वो अबू जहल भी सुनता है, अबू बकर, उमर, उस्मान वाली भी सुनते हैं, मैं और आप भी सुनेंगे, ताकि नेक आदमी है वो कहे शुक्र है ये तो मुझे छोड़कर चले गए, मेरे अमाल तो मेरे साथ हैं। और जो गुनहगार है उसकी हसरत में इजाफा हो कि इन पे मुझे तकिया था जो मुझे छोड़ के चले गए, मुझे तो अपने अमाल साथ लाने चाहिए थे। उससे पकड़ के पता नहीं क्या मसले निकाल लिए। भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कहते हैं ना वो मरने के बाद सुन सकता है, उसको कहेंगे जो ये लेटा हुआ शख्स है सामने, उसके सामने बात करके बताएं, वो सुन के बताएं, कोई नहीं सुन सकता। इंसान तो इतना लाचार है, अपना पेशाब नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। और पेशाब बंद हो जाए तो कुछ जारी नहीं कर सकता। ये बात हकीकत है। ये कितनी अच्छी वीडियो थी। बहुत अच्छी वीडियो लगी मुझे, और बहुत सारी चीजें समझ में आ गई कि अगर आपको एक बोलते ना आपको एक जिंदगी दी है तो किस लिए दिए, कि अगर आपको बता रहे कि अगर आपको ऑक्सीजन ना दी जाए तो ये ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड की, ये अल्लाह ने प्रोवाइड की। तो 2 मिनट भी ज़्यादा आप है ना जिंदा नहीं रह पाओगे। आपको आपको पानी में डाल दें, 1 से 1.5 मिनट भी मतलब पॉसिबल नहीं है आप अगर रोके रखोगे। खाना पीना आप छोड़ सकते हो पर आप ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। ये किसने दिया, ये आपको अल्लाह ने दिया। तो आप अगर अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह को याद करना नहीं, अल्लाह की इबादत करना है, तो आप वो नहीं करोगे तो आपको फिर आपका इस लाइफ में क्या काम है? क्योंकि अल्लाह नहीं चाहते कि हम सब मतलब दोजख में जाए, हम जन्नत में जाए, इसलिए सिरात के पुल पे आपको घिसेड़ा जाए। वो नहीं चाहते हैं कि आपको आपके जुलूस में डाला जाए। बाकी अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जन्नत, हम जन्नत में जाए, जहन्नुम में जाए। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, और एक प्लांट्स और एनिमल्स की बातें की। तो सब चीज़ों में एक पैटर्न है। जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स में भी मेल फीमेल होता है, ह्यूमंस है उसमें भी मेल फीमेल होता है, एनिमल्स है उसमें भी मेल फीमेल होता है, सबके अंदर अंदर एक पैटर्न है।
उनको जैसे अगर एक कोई भी प्लांट है, ठीक है, एक उन्होंने प्लांट की बात की, तो वो जैसे चूहा है, जैसे मेंढक है, उसको खा लेता है, तो अगर अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो वो खा नहीं सकता, तो ये क्यों बनाया है, तो वो खा रहा है उसको, तो ये सारी पैटर्न आप देखो, तो ये चीजें कोई इंसान नहीं कर सकता, देयर इज अ क्रिएटर दैट इज अल्लाह। और उसमें ये भी था कि मतलब बारिश होती, बारिश की बूंदों से वो बंद नहीं होता है, हाँ। कुछ अंदर कुछ इंसेक्ट जाता है या कुछ ऐसा जाता है ना, तब वो बंद हो जाता है, तब जैसे वो माउस का एग्जांपल दिया कि डबल क्लिक करने पे उसका प्रोग्राम सेट है कि कुछ प्रोग्राम ओपन होगा, मतलब वैसे ही विंडो ओपन होगी, तो उस तरीके से। तो ये सारी ऐसी तो कितनी स्पीशीज है, 20 लाख स्पीशीज है, 20 लाख स्पीशीज में भी कितने करोड़ों अरबों एनिमल्स है, तो उनका जो बोले रिस्क, उनकी उनकी जो खाने की चीज़ें वो कहाँ से उनको मिलेगी, तो वो हल्ला देता है उनके दिमाग में, इंस्टिंक्ट डालना, परिंदे है तो सुबह निकलते हैं, तो उनको हल्ला देता है कि अगर एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि एक परिंद एक चिड़िया है तो आपके वहाँ पे आइए, तो आपको आपको ह्यूमंस को ब्रेन दिया है कि आप उसको है ना दाना खिला सकते हो, तो आप दाना रखते हो, तो रोज़ आती है और रोज़ खाती, तो वो हम सब लोग, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सब कुछ हम कनेक्टेड है, हम अकेले नहीं है, हम सब लोग कनेक्टेड है, हमें एक साथ इसलिए रखा गया है, तो किसने रखा ये, अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो बहुत अच्छी वीडियो है, मेरे को बहुत गूज़बम्प हो गए, अच्छा लगा, बहुत डिटेल में तो अभी मैं इतना नहीं समझा सकता, पर आगे वीडियो में हम बात करते रहेंगे, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।